हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं शिव पार्वती का इस वाली ड्राइंग को कलर करूँगी। इसके लिए मैं कैमिल का वाटर कलर यूज़ कर रही हूँ। यहाँ पर मैं कलर करने के पहले जिस पार्ट पर मैं कलर करूँगी उस पार्ट को अच्छे से पानी से भिगो लूँगी। वाटर कलर लाइट टू डार्क स्टेप बाई स्टेप करना पड़ता है। पहले लेयर में ज़्यादा पानी और कम कलर लेकर करना पड़ता है, के बाद लेयर बाई लेयर उसको डार्क करना होगा। ईयर पर मैं सेम प्रोसेस से पहले ब्लू कलर को ज़्यादा पानी से मिला के यहाँ पर कलर कर रही हूँ, और पेज पर भी पानी को स्प्रेड किया हूँ मैंने, इसलिए कलर अच्छे से हो रही है। उसके बाद फेस पर जहाँ पर शेडो है उस जगह पर मैं डीप ब्लू कलर लेके और पानी थोड़ा सा कम यूज़ करके करूँगी, और उसके बाद मैं एक क्लीन ब्रश लेकर उसको पानी से अच्छे से भिगो के ब्लेंड कर लूँगी। यहाँ पर पूरी ड्राइंग को मैं सेम प्रोसेस से ही किया हूँ। तो चलो देखो मैं कैसे किया हूँ। आई होप आप लोगों को समझ आ जाएगी मैं कैसे कर रही हूँ इस ड्राइंग को। मैं यहाँ पर सिर्फ फेस पार्ट को ही किया हूँ, नेक्स्ट पार्ट जल्दी आ जाएगी। आप लोगों को मेरी ड्राइंग मेरी वीडियो कैसी लगता है वो कमेंट करके ज़रूर बताना, और किस टाइप का वीडियो आप लोगों को चाहिए वो भी कमेंट करके बताना। मैं ज़रूर कोशिश करूँगी उस टाइप का वीडियो बनाने के। और वीडियो को लाइक शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना एकदम ही मत भूलना। यहाँ पर पार्वती माँ का फेस करने के लिए मैं सेम प्रोसेस यूज़ किया हूँ। पहले मैं पीच कलर लेके पूरी फेस पर कर रही हूँ, इस साइड वाली फेस पर, और इसके बाद मैं ब्राउन कलर लाइट ब्राउन कलर लेके जहाँ पर शेडो है उस जगह पर कर लूँगी, और जहाँ हाईलाइट पार्ट है उस जगह पर मैं येलो कलर लेके करूँगी। या आइस के लिए मैं पहले ब्राउन कलर यूज़ कर रही हूँ। लिप्स के लिए मैं ब्राउन रेड और वाइट कलर मिक्स करके कर रही हूँ। Thanks for watching. Bye bye.